मेरी अपनी पसंद केटीबी ज्वेल पैलेस। रांका ड्रेसेस अपोजिट विजय होटल लोहारवाड़ी रायचूर। ये मुसलमान चीफ गेस्ट होना बोले तो इनको जो है मिर्चा लग जा रही। नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, रियासत में इन दिनों दो असम्बली अलकाजात के बाई इलेक्शन चल रहे हैं। इन बाई इलेक्शन के बाद ये कहा जा रहा है कि रियासत की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बल्कि कुछ अराकीन असम्बली कांग्रेस की तरफ रुख करने वाले हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ कायदीन जनता दल में शामिल होने वाले हैं और एक बड़ी तब्दीली रियासत की सियासत में आने वाली है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा अजमतुल्ला खान ने रियासत की सियासत में अहम किरदार अदा करने वाले रहनुमा सीएम इब्राहिम से खुसूसी गुफ्तगू की। सीएम इब्राहिम के मौकफ को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं और कुछ अरसे के बाद वो हो सकता है कि जनता दल सेकुलर में शामिल भी हो जाएं। सीएम इब्राहिम ने अपने दिल की बात करते हुए कहा कि मौजूदा दो बाई इलेक्शंस में उन्हें मधु नहीं किया गया। रियासती सतह के कई कायदीन ने उन्हें मधु किया और ये भी कहा कि दिल्ली से फ़ोन आएगा, उसके बाद आप इंतखाबी मुहिम में आ सकते हैं। लेकिन अभी तक दिल्ली से कोई फ़ोन नहीं आया, जबकि इंतखाबी मुहिम मुकम्मल हो चुकी है, यानी ख़त्म भी हो चुकी है। इस सिलसिले में सीएम इब्राहिम ने ये इशारा दिया कि आने वाले दिनों में वो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं और जनता दल सेकुलर में शामिल हो सकते हैं। तफसीली वीडियो आप मुलाहिदा कीजिए। पूरे रियासत के ब्रदरान आप तमाम को मुबारकबाद हो कि आप लोग सब हैरान होंगे जिंदगी और खानगंज के इलेक्शन में मैं हिस्सा क्यों नहीं लिया। इसकी वजह ये थी, जो भी लीडर मेरे पास आया बात किए, वो लोग सिर्फ इतना बोले कि भाई आपके जो मुतालबात हैं वो करेक्ट हैं, दिल्ली से आपको फोन आएगा, उसके बाद दिल्ली को बातचीत करने के बाद अपना फैसला कीजिए। आज तक दिल्ली से कोई फोन नहीं आया और मैं फोन का इंतजार में भी नहीं हूं। मुझे मालूम है इस कौम की हालत क्या है आज और हम समझते क्या है, लाचार बेबस, कोई सहारा नहीं, जैसे दबाओ वैसे दबेंगे। ये एक नजरिया आम सियासतदानों की निगाह में आया है, इस नजरिए को मैं तोड़ना चाहता हूं। आज हम न दबे हैं न कोई हमको दबाने वाला है, हमारे अंदर माल की कमी है लेकिन ईमान की मजबूती है। 600 साल पहले अर्तुगरुल गाजी वो सीरियल आप देखे होंगे, 500 लोग का ही कबीला 600 साल दुनिया को हुकूमत कराया। वजह आजम था, ईमान था, तवक्कल मजबूत था, अल्लाह पर यकीन था। आज बदकिस्मती एक मुसलमान पूरे मुसलमानों का लीडर बोल के बोलने तैयार नहीं है, लेकिन गैर बुला के यही पूरे मुसलमानों का लीडर बोल रहे, क्या कयामत के आसार आ गए। इसे देखते हुए रहना क्या है, आप सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। जुमेरात का दिन रोजे के साथ हूं मैं, किरामन कातिब मेरे बयान को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज्यादातर को जाने से पहले बैठ के आपसे मुखातिब हो रहा हूं क्योंकि मुझे पहले ही होना था। आज जो है हालात हर कौम हर जात अपना अपना लीडर अपने अपना समाज और हर गई जो है अपने बछड़े को दूध पिलाती, लेकिन हमें हमारे बछड़े को दूध नहीं पिलाना, दूसरे जने से बछड़ा को दूध पिलाना। हमें पिले तो बहुत बड़े लोग, कोई अगर हमना रिकॉग्नाइज करया तो उन्हें एजेंट। आज 3-4 इलेक्शन में 12-13 में मुसलमान
100% वोट दिए गए बार के इलेक्शन में 18 में 80 सीटा है कांग्रेस को। हमारे डिसीजन की गलती की वजह से 30 सीटा बीजेपी को ज्यादा है, हिसाब निकाल को देखो आप। तुर्वीकेरे में क्या हुआ, उसके बाद हासन में क्या हुआ, जहां पर कांग्रेस थर्ड, बीजेपी फर्स्ट, जेडीएस सेकेंड, कांग्रेस थर्ड, मुस्लिम वोट देने के बावजूद। ये किसकी गलती थी? हमारी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी। बार बार पूछते हुए जाते हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं क्या, पार्टी छोड़ रहे हैं क्या? छुड़ाने की कोशिश कर रहे बहुत सारे लोग, मुझे फिक्र नहीं है। दुनिया को देखा सोना में 50 साल से सियासत में हो, 2 साल हिंदुस्तान चला पाई हूं मैं, मुझे मालूम है। और कर्नाटक के अंदर एक इनकलाब आना, एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर होना, बोले तो इनको जो है मिर्चा लग जा रही। हमें है सो 18% हो सकती क्या? बेखौफ 6% वाला सीएम हो सकता, 11% वाला हो सकता, 18 वाला क्यों नहीं होता? दिखा तो इंशाल्लाह मैं आप कर्नाटक के अंदर है, तुम्हारी दुआ अगर है इंशाल्लाह एक फैसला कुन हमें करना। और याद रख लियो, हर गई अपने बछड़े को दूध पिलाने का, हमें मुतहद होकर हमारी ताकत को दिखाएंगे। हमारे पास 20,000 वोट है कि 30,000 है कि 40,000 है कि 50,000 है कि 60,000 है कि, एक जगह पड़े अगर वो ताकत बनी तो दाया बैल को मारे तो बाया बैल हुशियार होता। दिखा तो इंशाल्लाह मैं आप कर्नाटक के अंदर है, तुम्हारी दुआ अगर है इंशाल्लाह एक फैसला कुन हमें करना। और याद रख लियो, हर गई अपने बछड़े को दूध पिलाने का, हमें मुतहद होकर हमारी ताकत को दिखाएंगे। हमारे पास 20,000 वोट है कि 30,000 है कि 40,000 है कि 50,000 है कि 60,000 है कि, एक जगह पड़े अगर वो ताकत बनी तो दाया बैल को मारे तो बाया बैल हुशियार होता। तो इसलिए मैं जो है मैं आप तमाम से यही क्लैरिफिकेशन देना था मैं कि भाई जिंदगी और हारकर ले जाने की वजह क्या है, मुझको उनको मालूम होना। ये कौम को आप दरगुजर करें तो इसका रिजल्ट क्या होता करने का, बीजेपी आ जाती। अरे आपको 7 साल हो गया जी, 7 साल से नहीं है क्या? यजीद नहीं आया 1400 साल पर, नमरूद नहीं आया? यजीद को नमरूद को नहीं डरे साले, इनको डर जाते हैं। हमें तकलीफा आती सहना पड़ता, इम्तिहान है। अल्लाह को नहीं मालूम, 70 बाबा की मोहब्बत रखने वाला खुदा है सब नहीं देख रहा है क्या? देख रहा है। पहले हमारे अमाल को सुधार लेंगे, आज जो है हक हलाल की रोजी कहेंगे, जुए के पैसे में हज उमरा करने का छोड़ेंगे, हलाल के पैसे में बच्चे को खलेंगे, तब जाकर जो है दरवाजे बंद हो गए थे काबे के अब खुले, मस्जिद आए के दरवाजे बंद हो गए थे आप खुले। मेरे भाइयों तोबा कर को हम आगे बढ़ेंगे, आखिरत अच्छी होना, खबर अच्छी होना। फिर रहे बंसकार में सांस रुक गई तो नाम बदल जाता मुर्दा, मस्जिद का जनाजा चंदा मन को खरीदे से जनाजा भीख की जगह। मेरी और तमाम की हैसियत यही है, ये हैसियत को कभी नहीं बिसरना हमें। खुदा का खौफ रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखो, इंशाल्लाह फिक्र करो न को हिम्मत से रहेंगे। टूटते जाते पूरे पार्टियां टूटते, हिडेरोपा के बारे में बोला था क्या हुआ, बाजू नहीं बैठा? खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह ये आप सुनो, सुनकर एक मुनज़्ज़िम इरादा कर लो और अपनों की कभी अपने तरफ से बेइज्जती मत करो। कहता तो भी रंधे अपना अपना उसे
उभारने की कोशिश करो और ताकत दो। खुदा आपका भला करे। जय हिंद, जय कर्नाटक। We'll be right back.